नेक्स्ट टॉपिक है आपका बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू असर्टेन द प्रॉफिट लॉस ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। कि आपने जैसे पहले भी पढ़ा है, जो अकाउंटिंग हम करते हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो बिजनेसमैन है वो ये चाहता है कि उसे ये पता लगे कि एक अकाउंटिंग पीरियड यानी वन ईयर में उसे अपने बिजनेस से कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। देर आर टू बेसिस ऑफ असर्टेन प्रॉफिट और लॉस, नेमली कैश बेस और एक्रूअल बेस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपना कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो अंडर दिस बेसिस इनकम आर नॉट रिकॉर्डेड अनलेस दे आर रिसीव्ड इन कैश। कि जो इनकम है अगर वो कैश में हमें रिसीव नहीं हो रही तो ऐसी कोई भी ट्रांजेक्शन हम कैश बेस पे हम रिकॉर्ड नहीं करते। एक्सपेंसेस आर रिकॉर्ड ओनली व्हेन दे आर पेड इन कैश। जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो तभी रिकॉर्ड किए जाते हैं जब वो सभी कैश में पे किए जा चुके हों। इन अदर वर्ड क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल, आर इग्नोर्ड टिल कैश इज एक्चुअली रिसीव्ड और पेड फॉर देम। जो कैश ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड नहीं की जाती, और जितनी भी आपकी जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। और जब तक आपको कैश में या तो रिसीव ना हुआ हो या पेड ना किया गया हो। थस प्रॉफिट इज मेनली द एक्सेस ऑफ एक्चुअल कैश रिसीव इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड अदर इनकम आवर एक्चुअल पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स। कि प्रॉफिट इज एक्सेस चाहे एक्चुअल कैश रिसीप्ट या गुड्स को सोल्ड करके अगर हमें इनकम हुई हो तो वो तभी मानी जाएगी जब आपको कैश में रिसीव हुआ हो। लाइक परचेज ऑफ गुड्स, एक्सपेंसेस ऑन वेजेस, सैलरी, रेंट एक्सेट्रा। इनकम और प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कि हम ये सब किस पे कैलकुलेट कर सकते हैं, अब आप आगे पढ़ोगे रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में। तो रिसिप्ट अकाउंट में आपके सारे जो कैश आपके पास रिसीव हुए हैं वो ट्रांजेक्शन्स होंगी। पेमेंट में आपने जिन को पेमेंट की है वो सारी ट्रांजेक्शन होगी। दिस बेसिस इज यूजफुल फॉर प्रोफेशनल पीपल लाइक लॉयर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंट एक्सेट्रा। एडवांटेजेस क्या है इस बेस की? फर्स्ट है दिस बेसिस इज सिंपल, रियलिस्टिक एंड सेटिस्फाई द कन्वर्जन इंस्टेक्ट ऑफ मैनी पीपल। ये बेस क्या है? सिंपल है, रियलिस्टिक मीन्स विश्वसनीय है, सेटिस्फाई है। इट डज नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ एस्टिमेट एनी पर्सनल जजमेंट। इसके लिए कोई भी एस्टिमेट लगाना या कोई पर्सनल जजमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता। इट इज सुटेबल फॉर दोज एंटरप्राइज वेयर मोस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन आर ऑन कैश बेसिस। ये उन एंटरप्राइज के लिए सुटेबल है जो ट्रांजेक्शन कैश बेसिस की मेनली करते हैं। उसके बाद डिसएडवांटेजेस क्या हैं? फर्स्ट है इट डज नॉट गिव ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द एंटरप्राइज। ये कह रहा है कि ये बिल्कुल ट्रू और फेयर रिजल्ट नहीं देता कि कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है और आपकी जो बिजनेस है उसकी फाइनेंशियल पोजिशन क्या है। बिकॉज इट इग्नोर्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्यूड इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। क्योंकि ये ऐसी एक्सपेंसेस जो हम पहले दे चुके हैं या देनी है, या ऐसी इनकम जो हमें अभी प्राप्त नहीं हुई है, तो ऐसी इनकम को हम रिकॉर्ड नहीं करते, इग्नोर करते हैं। तो इसी वजह से हमें अपने बिजनेस का ट्रू प्रॉफिट और लॉस पता नहीं चलता। फिर इट डज नॉट फॉलो मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। ये जो मैचिंग प्रिंसिपल है, मैचिंग प्रिंसिपल जिसमें हमारे एक्सपेंसेस और इनकम साथ साथ चलते हैं, उसको फॉलो नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल एक्विजिशन ऑफ गुड्स विल हैव टू बी ट्रीट एज एक्सपेंसेस
of the period in which payment is made instead of the period in which benefit are derived for them. ये मानना जाता है कि जैसे ही आप कोई गुड्स खरीद रहे हो, ठीक है, तो उसके साथ जो होने वाले एक्सपेंसेस हैं वो और उसकी जो इनकम है वो हमारे अकॉर्डिंग साथ साथ चलने चाहिए, लेकिन ये ऐसे शो नहीं करता. देयर इज़ ए ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ प्रॉफिट इन कैश बेसिस ऑफ अकाउंट बिकॉज पेमेंट मे आइदर बी डिले or made early and similar income may be postponed or collected early. कि वो कह रहे हैं कि possibility है कि आप profit जो दिखा रहे हो वो आपने cash base पे दिया है या किस base पे आप उसको show करना चाह रहे हो. जो payment है वो delay कर दी गई है तो उससे क्या है, आपका profit तो ज़्यादा show करेगा but जो आपके business की actual position है वो निकल कर नहीं आएगी. कंपनी एक्ट 2013 डज नॉट रिकॉग्नाइज इट. कंपनी एक्ट में ये बेस रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है. ये था पूरा आपका कैश बेसिस. नेक्स्ट आता है आपका एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. अंडर दिस बेसिस इनकम आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अर्न ऑन एक्यूड इरिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट. सेल्स मेड ऑन क्रेडिट विल बी इंक्लूडेड इन टोटल सेल ऑफ पीरियड. जो एक्रूअल बेस है, एक्रूअल कंसेप्ट पढ़ा था, सेम वही है. इसमें हम क्या कहते हैं कि जैसे ही हमने कोई गुड्स सेल कर दिए हैं तो उसको हम रिवेन्यू मान लेंगे, यानी कि उसको हम प्रॉफिट मान लेंगे, चाहे हमें उसकी पेमेंट कैश में रिसीव्ड हुई है या नहीं हुई. सेम ऐसे ही एक्सपेंसेस का है. अगर हमने किसी चीज़ का ऑर्डर दे दिया है तो उसको हम एक्सपेंसेस मान लेंगे, चाहे हमने उसकी पेमेंट अभी तक की है या नहीं की. तो अंडर दिस बेसिस इनकम आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अर्न्ड और एक्यूड इरिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट. इनकम हम तभी मान लेंगे जब हमें ऑर्डर मिल जाएगा, चाहे हमें पेमेंट रिसीव हुई हो या ना हुई हो. सेल्स मेड ऑन क्रेडिट विल बी इंक्लूडेड इन द टोटल सेल्स ऑफ द पीरियड. सेल्स को चाहे सेल हमने उधार पे किया हो चाहे कैश में किया हो उसको हम रिवेन्यू मान लेंगे. एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर इंकर्ड और बिकम ड्यू एंड नॉट व्हेन द कैश इज पेड फॉर देम. जैसे रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड बट नॉट पेड विल बी ट्रीट एज एक्सपेंसेस. कि रेंट पेंडिंग रह गया, ठीक है, तो उसको एज एक्सपेंसेस नहीं माना. इट इज ड्यू नॉट इन पीरियड व्हेन इट पेज. कि जिस पीरियड में उसको पेड करना था उस पीरियड में उसने पेड नहीं किया. इन द एक्रूअल बेसिस प्रॉफिट और लॉस ऑफ ए पर्टिकुलर पीरियड इज द रिजल्ट ऑफ मैचिंग ऑफ रिवेन्यू एंड एन एक्सपेंसिस इंकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड. कि रिवेन्यू अर्न या एक्सपेंसिस उस पीरियड के दौरान, तो उसको हम क्या मान लेंगे, जिस पीरियड में हमें इनकम मिली है, ठीक है, हमने माल को सेल किया है उसी टाइम हम उस चीज़ को रिवेन्यू मान लेंगे, चाहे हमें उसकी पेमेंट मिले या ना मिले. दीज मेक इट नेसेसरी टू कंसिडर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रिपेड एक्सपेंसेस एक्रूअल एक्यूर्ड इनकम इनकम रिसीव्ड इन एडवांस एक्सेट्रा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अंडर द कंपनी एक्ट 2013 All companies are required to maintain their accounts according to accrual base of accounting. He company act 2013 के according हर businessman accrual base account अपना prepare कर सकता है. इसकी advantage है it disclose true profit or loss for a particular period and also
बेसिक ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ ए पर्टिकुलर पीरियड, किसके द्वारा जो प्रॉफिट लॉस दिखाया जाता है या फाइनेंशियल पोजीशन दिखाई जाती है वो एकदम ट्रू होती है एक पर्टिकुलर पीरियड के अकॉर्डिंग। इट टेक्स इनटू अकाउंट ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू ए पर्टिकुलर पीरियड एंड टेक इनटू अकाउंट ऑल एडजस्टमेंट लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्यूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, क्योंकि इनमें हम ये सारे ट्रांजेक्शन जो हम कैश बेसिस में नहीं लेते, एक्रूअल बेस में वो सारे ट्रांजेक्शन हमारी ली जाती है, रिकॉर्ड की जाती है। फिर है इट फॉलो द मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, ये जो मैचिंग प्रिंसिपल अकाउंटिंग है उसको फॉलो करता है। देयर इज कंसिस्टेंसी इन द कॉम्पिटिशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिफरेंट ईयर इज एक्चुअल बेस बिकॉज इट मेक ए डिस्टेंस बिटवीन कैपिटल एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कि ये कंसिस्टेंसी यानी कंप्यूट करता है डिफरेंट ईयर्स के, और फिर हम 2 ईयर्स के या 4 ईयर्स के इसमें हम इजली कंपैरिजन कर सकते हैं कि किस साल में हमें कितना रिसीव कैश हुआ और कितना नहीं हुआ। इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनी एक्ट, ये कंपनी एक्ट 2013 के द्वारा बनाया गया है, तो बिल्कुल कैश बेस के जैसा है बट थोड़ा सा इसमें वो है। अब इसकी डिसएडवांटेज क्या है, इट इज़ नॉट एज सिंपल एज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इट रिक्वायर द यूज ऑफ एस्टिमेट एंड पर्सनल जजमेंट, कि इसमें हम एस्टिमेशन या पर्सनल जजमेंट नहीं लगा सकते, ना ही उसकी नीड होती। इसके बाद आपको कैश बेसिस अकाउंट और एक्रूअल बेसिस अकाउंट में डिफरेंस दे रखा है जो कि आपको खुद से करना है। इसके बाद हाइब्रिड और मिक्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इन दोनों का मिक्सचर होता है। तो इस चैप्टर में बेसिकली क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है, बट ये आपको बेस जो अकाउंट बेस है वो मेन होता है, इसलिए आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तो ये आपको अच्छे से करना है।